सो गाइस एक बहुत बड़ा धोखा हो गया हम लोगों के साथ, और धोखा ये हो गया दोस्तों। सब गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि दोस्तों हम वेस्ट बंगाल के बहुत ही खूबसूरत से जगह में जाने वाले हैं जिसका नाम है सुंदरग्राम। और सुंदरग्राम के नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सुंदर सा गांव। तो वेस्ट बंगाल के कौन से कोने में मैं आपको आज इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो आओ यार आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं और यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर। और तो हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे इतने गर्म के मौसम में मजा का लुत्फ उठाते हुए और सभी लोग यहाँ तक रहे सर एक्साइटेड जाने के लिए। तो सो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं सुंदरग्राम और गांव का सीन स्टार्ट हो गया। इस सीन के लिए ही हम लोग लगभग 50 किलोमीटर कोलकाता शहर से दूर आए हैं। और अभी तो यार जर्नी स्टार्ट हुआ है, अभी क्या क्या चीज़ें हम यहां पे देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें दिखाएंगे। ये शायद लोकल बस है यहाँ की, जो कि शायद हाँ लोकल बस ही है, नहीं लोकल बस नहीं है, गिट्टी का ट्रक जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड का सीन है हमारा, बाइक हमारी यहाँ पे खड़ी है और ये पीछे यहाँ पे देख सकते हैं आप धान का खेती हो रहा है और फसल तैयार हो ही गया है, इसके बाद फिर कटाई यहाँ की चालू होगी फसल की। और हवा यार काफ़ी शानदार है, जब हम लोग कोलकाता में थे तो गर्म बहुत ज़्यादा था ना सर वहाँ पर, है कि नहीं सर? गर्म कैसा था सर वहाँ पर? यहाँ तो मस्त ठंड हवा चल रहा है, मतलब देख रहा है बाल हम लोगों का कैसे उड़ रहा था, आप लोग इसी से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर फिजाओं में उड़ रहे हैं।
सो गाइस ये रहा यहाँ पे बोर्ड सुंदरग्राम का, और यहाँ से ये सीन स्टार्ट होता है सुंदरग्राम के अंदर का। तो सर कैसा लग रहा है अभी, मूड कैसा है? ये अद्भुत अविश्वसनीय नजारा है, नजारा है। तो इस तरीके का कुछ द्वार है सुंदरग्राम का, और इस गेट के थ्रू हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। अकल्पनीय अविश्वसनीय। तो भाई सीन्स देख के समझ में आ रहा है कौन से जगह में हम लोग आ गए हैं। ये एक मतलब आर्टिफिशियल क्रिएटेड जगह है, और नहीं रियल में गांव है ये। तो गांव के अंदर में एक छोटा सा जगह उन्होंने रिसॉर्ट बनाया हुआ है। इन रिसॉर्ट में क्या है कि आप इसको पहले से आपको बुक करके आना पड़ता है। ये आप पीछे जो देख रहे हैं इस तरीके से, ये सब आर्टिफिशियल रिसॉर्ट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर पहले से आपको बुक करके आना पड़ता है। तो आप बुक करके आओ, यहाँ पर रह सकते हैं। फिर यहाँ पर पीछे की तरफ वो जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर खाने का जगह भी है, मतलब किचन है, वहाँ पर आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। और यहाँ का जो पूरा एटमोसफियर या अपीयरेंस जो क्रिएट किया हुआ है, वो पूरा 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 का पूरा गाँव का। तो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जो भी चीज़ें हमें दिखानी थी हम आपको दिखा दिए, और अभी यहाँ से निकलते वक्त रास्ते में जो जो चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे वो इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग को आप कंटिन्यू करते रहो, देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं। कुछ ऐसा है कि हम लोग वापस अभी कोलकाता की तरफ जा रहे हैं, और अरसलान जा रहे हैं। तो अरसलान क्या है कि बिरयानी का मतलब बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे खाने की और भी चीज़ें आपको मिलेंगी जो, बट बिरयानी जो है वहाँ की बहुत ही फेमस है। तो अभी हम लोग एक बस स्टॉप है वहीं पे रुके हुए बैठे हैं, और ये पूरा का पूरा गाँव का सीन है। तो जो कोलकाता है, कोलकाता से लगभग हम लोग जो है 50 किलोमीटर अंदर आउट लोकेशन पर, और ये पूरा गाँव इलाका है। दादा ये कौन सा जगह है? कौन सा? चौराई डांगा बस स्टॉप पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं। और चलते हैं रेस्टोरेंट में और दिखाते हैं आपको वहाँ का बिरयानी कैसा है, खा के बताते हैं टेस्ट कैसा है वहाँ का। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बैठ गए यहाँ पे, ठंडा पानी पी रहे हैं, और उसके साथ पूरी। तो गाइज़ हम लोग अभी अरसलान बिरयानी खाने के लिए जा रहे थे, और बीच में कुछ ऐसा सीन देखने को मिला कि हम लोग वहाँ पे रुक गए। अभी वो सीन क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मुझे खुद भी पता नहीं है कि हम कहाँ पे रुके हैं, कहाँ पे हैं। बस यही था जैसा मैं सोच रहा था बहुत दिनों से, कि हाँ ऐसा जगह निकलेंगे, पूरा दिन चिल आउट करेंगे, जहाँ मन कहे वहाँ पर रुकेंगे, जो मन कहे सो करेंगे, हरियाली देखेंगे और
नेचर से जुड़ेंगे। तो ये रहा मेरे पीछे का सीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा हरियाली है। और इतने गर्म के माहौल में जब हम लोग कोलकाता में थे तो वहाँ पे इतनी गर्म मतलब फील हो रहा था हम लोगों को, और जब इस लोकेशन पे हम लोग आए हैं तो यहाँ पे बहुत ही ठंडा है, मतलब यहाँ पे फ़ैन और एसी का ज़रूरत ही नहीं है। और ये वहाँ पे पता नहीं है, मतलब ये क्या बोलते, इसको क्या बोलते मेरे को पता नहीं, बट मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि ये आराम करने का जगह है और एक शानदार सा व्यू ले सकता है वो, जैसे सी बीच पे सब बैठ के ऐसे आराम से लेट के व्यू लेते हैं वैसे वहाँ पे भी एक बना हुआ है, आराम से आदमी वहाँ पे सो सकता है, सो के आराम से इस व्यू का लाभ उठा सकता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे ही हम भी एक ऐसे ही घर बना के यहीं पे रुक जाते हैं। सो गाइस एक बहुत बड़ा धोखा हो गया हम लोगों के साथ, और धोखा ये हो गया दोस्तों, हम लोग खाने वाले थे असलान की बिरयानी बट आ गया कहाँ, अवनी मॉल आ गया। तो बात ये है दोस्तों, हम लोग कोलकाता फ्लाईओवर जो ब्रिज है हम लोग उस पर मतलब बाइक ड्राइव कर रहे थे, और क्या हुआ कि जो पार्क सर्कस में असलान था हम लोग वहाँ पर जाने वाले थे, तो हम लोग जैसे ही मतलब उस रूट पर जाना था, मैं उस रूट पर ना जाके दूसरे रूट पर कट हो गया, और इससे क्या हुआ कि हम लोगों की जो डिस्टेंस थी वो लगभग 10 किलोमीटर बढ़ गया, हम लोगों को फिर 10 किलोमीटर घूम के वहाँ पर आना पड़ता है। तो फिलहाल भैया हम लोगों का यहाँ पे मसाला डोसा हो गया है तैयार, हम मसाला डोसा खाएंगे, यहाँ का टेस्ट कैसा है वो आपको बताएंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे खाने वाले थे बिरयानी, और इतने सारे काउंटर था कि हम कंफ्यूज हो गए कि खाए तो क्या खाए, तो जिस तरीके का रहा सीन हमारा। सो गाइज ये व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो व्लॉग अगर पसंद आया हो तो करो वीडियो को लाइक, और कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो, और कर दो भर भर के इस वीडियो को शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल, और तब तक के लिए भैया कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइज।